दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रो त्रिदेव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अनार की कि अनार का ज्योतिष में क्या महत्व है और कैसे लाल किताब के हिसाब से अनार जो है भाग्य बदलने की क्षमता रखता है या कह लीजिए किस्मत को सपोर्ट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है लाल किताब के हिसाब से कि अनार किस्मत को बदल सकता है। अनार चढ़ाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूरी होती है। शास्त्रों का माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से कि अनार के पौधे में विष्णु लक्ष्मी का वास होता है। इसे घर में लगाने से पैसों की तंगी नहीं आती। अनार की लकड़ी का प्रयोग यंत्र बनाने में भी किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अनार के डिफरेंट यूसेज के बारे में और उनके ज्योतिषीय महत्व के बारे में और कैसे वो फ़ायदा देते हैं। दोस्तों अनार की जो लकड़ी होती है उसका भी काफ़ी महत्व है। अगर आपके काम में बार बार कोई बाधा आ जाती है तो अनार की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। महीने में एक बार राहु के स्वाति नक्षत्र में अनार की लकड़ी तोड़कर घर लाएं। पेड़ से लकड़ी तोड़ते वक्त पेड़ से माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। घर लाकर उस लकड़ी पर चावल फल मिठाई चढ़ाएँ, धूप दीपक जलाकर पूजा करें। चांदी का ताबीज में अनार की लकड़ी डालकर शनिवार को काले धागे में गले में आप पहन सकते हैं। ऐसा करने से आपके शत्रु शांत होते हैं और आपकी जो है किस्मत आपको सपोर्ट करती है। दूसरा, धन लाभ के लिए अनार की डंडी का आप अलग तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। महीने में एक बार पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अनार की टहनी लाएं। पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाकर टहनी की फल फूल मिठाई से पूजा करें। इसके बाद चार मुखी दीपक से टहनी की 5 बार आरती करें। तांबे के लोटे में पानी रखें, कुबेर मंत्र का जाप करें, लोटे का पानी पूरे घर में छिड़क दें। यह पूजा 21 दिन तक करनी चाहिए। इस टहनी को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें तो धन लाभ होता है, ऐसा ज्योतिष और लाल किताब के हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी जानकारी है वो ज्योतिष में और जो स्पेशल लाल किताब है उसके हिसाब से है। बच्चों की पढ़ाई में सुधार भी जो है अनार से आता है ऐसा माना जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र में अनार की टहनी तोड़ करके लाएं, उसे गंगा जल और दूध से धो लें। पूजा पाठ करने के बाद अभिमंत्रित करें। इसके बाद टहनी को पीले कपड़े में लपेट कर बच्चों के स्टडी रूम में पीले रेशमी धागे से लटका दें। ऐसा करने से माना जाता है कि बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा। बच्चा बहुत चंचल हो तो हनुमान जी की छोटा सा गदा बच्चे के गले में पहना दें। ऐसा करने से बबच्चे शांत हो जाते हैं। अनार के 3 पौधे घर लाएं, घर के सामने पूर्व दिशा में या घर के सामने किसी पार्क में लगाएं और पौधे की देखभाल करें। दोस्तों जब पौधे में फल आएंगे तब आपकी किस्मत भी अच्छी हो जाएगी, फल के साथ साथ आपकी किस्मत भी फल जाएगी, ऐसा जो है ज्योतिषीय सिस्टम में माना जाता है। तो दोस्तों ये था अनार के बारे में। अगर अनार के बारे में आपको भी कुछ इस तरह की जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।